First of all, good morning all of you. And welcome you all to House of Tennis Football. A great and dear and wonderful. I would like to thank, or I should be thankful to you, our great director. And his counterparts who gave me a chance to share my point of view with all of you on the burning topic of this day, specifically is too related and that is one and nothing else. Anger-free zone or anger-free schools or anger-free schools. As you know all well, that anger is such a tool, such a devastating instrument that despise everything and goes extremely negative in terms of its patients. मेरे कहने का आशय ये है, किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ, अभी मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ, स्कूल को फोकस न करके यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ, एंगर एक ऐसा सिनेरियो है जो किसी के साथ मर्ज हो जाए तो स्वाभाविकता की स्थिति विपरीत हो जाती है। दूसरी तरफ एंगर एक इमोशन का पार्ट है, यदि आपके अंदर हर्ष, विशाल, मतलब अनुभूतियों का संकेत आपसे परे हो जाए तो आप जिंदा लाश। ये रिफ्लेक्शन भी बताता है जो आपके अंदर कुछ करने का मादा है, जैसे कोई किसी के बदन में ऐसे टच करके और टच करके ही तो आपका रिफ्लेक्शन होता है। ये भी इमोशन के भाग में आप किसी के साथ कोई बिहेवियर बनाते हैं, कोई जजमेंट लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तमाम चीज कहीं न कहीं आपके इमोशन से जुड़ा। अब आते हैं हम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल बेस्ड जो आपके सीबीएसई की एडवाइजरी सीबीएसई ने और सीबीएसई के जो पैनल एक्सपर्ट्स इन लोगों ने बहुत विचार करने के बाद, बहुत विचार मंथन के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे जो शायद एंगर शब्द का विलोपन बच्चों के हित में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पर काफी रिसर्च किया गया और ये बात सामने उभर गई है। उभर आने के बाद ये खाली जा रही है, ये तो सब जाएंगे तो पॉलिंग पे एक खाली जा रही है। और आज के टाइम में हर स्कूल के लिए इतना जरूरी हो गया है जिंदा रहने के लिए, जिस स्कूल ने इस हाजिरी का परिपालन सीबीएसई के हिसाब से नहीं किया वो स्कूल है। आज जो मीटिंग टर्मिन कराई गई है उसमें ये टॉपिक अपने आप में एक खास मायने रखता है। मेरे कहने का इतना ही कतई नहीं है, जो औरों के द्वारा जो टॉपिक परिलक्षित की जाएगी, औरों के द्वारा जो टॉपिक का विवेचन होगा वो लेस पैरामीटर
इम्पॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये अपने आप में कारण क्या है, ये बिहेवियर एटीट्यूड में भी काफी ये डोमिनेट हो रहा है। अब देखिए गुस्सा को ही फोकस क्यों किया है, ये समझ में नहीं आता। तीन जो सिनेरियो बनता है, तीन सिनेरियो, एक सिनेरियो को जो क्लास में टीचर आप सोच सकते हैं, दूसरा जो नेचुरली वो उनके अंदर ये और तीसरा स्टेबिलाइजेशन, ये तीन को सिंट्रलाइज किया, ये तीनों अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके एटलीस्ट जितना कारण क्या है, कारण क्या है, एनवायरमेंट का असर जो है सीधा हम पे पड़ता है, एनवायरमेंट का असर सीधा हम पे पड़ता है। जैसे समझने की कोशिश करें, जैसे मान लिया जाए यहां पे जो 15-20 लोग बैठे हैं, जो भी 20-25 लोग बैठे हैं, इस 20-25 में More than 90% ऐसे इनको बात बात में गुस्सा है, बात बात, और गुस्सा आने का सबसे मूल कारण जो है कोर फैक्टर जो है कहीं न कहीं क्यों हो जाता है, आप जो चाहते हो ना वो नहीं होता है ना, गुस्सा स्पॉन्टेनियसली कम्स इन दिस। आप दरअसल आजकल के टाइम को हमारी आप क्या हो, हम जो चाहे वही तो बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या है, ये विवेचन के दूर हुआ है। कारण क्या है, आप हर कोई अच्छा करना चाहता है, हर कोई जीवन में बड़ा बनना चाहता है, जो भी बात है, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा का रूप और हाई एक्सपेक्टेशन है ना, हम सभी ऊंचा चाहते और रास्ते में एक ह्यूमन नेचर क्या होता है हम सभी का, हम सब लोग यदि हमारे आपके बारे में अच्छी बातें की जाएंगे अच्छी बातें पर एक कुछ, लेकिन सच्ची बातें की गरीब और सच्ची बातें चूंकि हमारी इमेज को हमारे हिसाब से हमारी होता है उस एंगल जो है वो पर्सनलाइज्ड इशू है, एंगल को हम सोशल इशू तमाम लोगों को शामिल कर लेंगे तब, तो जैसे एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच तक ये तो यूनिवर्सल इशू बन जाता है, लेकिन अभी से एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है इसलिए पर्सनल इशू को नॉमिनेट किया है। तो कहने का मतलब आप हम हमेशा ये कोशिश करें और उस गहरी जानने की कोशिश करें जो आपकी रूट काउज क्या है। ठीक है, यदि कोई चीज नेचुरल है तो इसको ओवरकम करके इतना यदि कोई चीज नेचुरल है तो ओवरकम करना कोई नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी को कम करने की आदत हमें स्वतः कार्य क्या है, जो काम आप बार बार करते हो ना वो हैबिट बन जाती है, वो हैबिट बन जाती है, और जब वो हैबिट बन जाती है तो एक्चुअली इनिशियल स्टेज पे शायद आपके लिए हार्मफुल ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए लेट हो सकता है, फैटल हो सकता है, आपके भविष्य के लिए इतना बुरा हो सकता है जिसके बारे में आपने बड़ी कल्पना कर ली हो सकती है। सपोज छोटा सा कहते हम सब जानते हैं और ये रैंक जो देते हैं आई न्यू एवरी अपने बारे में कहने के लिए आई एवरी और जब जीवन में ऐसे मोड़ आए, जीवन में ऐसे मोड़ आए
जहां पर कुछ हमसे पूछा है, नहीं यदि लाइफ है नहीं, अब हमसे कुछ पूछा गया, अब हमसे कुछ पूछा गया, हमने जो जवाब दिया सामने वाले ने माइली रिएक्शन कुछ ऐसा दिया जो मेरे अनुरूप नहीं रहा। समझ किसको कह देगा, आप इंटर बोर्ड में आपको कह दिया आपसे 10 साल पूछते हैं, आप 10 साल के जवाब बिल्कुल अक्षर से आपका नजरिया क्या है, आपका नजरिया जानना चाहते हैं, आपके चेहरे पर शुक्र ना रहे आप बुढ़े लग रहे हैं, आपकी उम्र मात्र 25-30 साल है, आप ऐसे लग रहे हैं आपके साथ शुरू से क्या समस्या है, इरिटेशन वाला चीज जहां आपके मन को बाद में पता करना है, ये एंगर और अग्रेशन को जन्म देता है, और एंगर और अग्रेशन में काफी मतलब बीस डिफरेंस। अग्रेशन का मतलब आपको डिक्शनरी में या इसमें जो हमको दिया गया है मैंने देखा नहीं, इसमें होता है आक्रामकता। समझ में बिल्कुल नहीं आया, आक्रामकता का मतलब होता है अगर इसको आप लीक से हट के कहें साइको, अगर तो लगभग इसका साइको एक ऐसी अवस्था जहां पर आदमी डिसीजन लेने में पूर्णतया असमर्थ होता है, उसको ऐसा लगने लगता है मेरे द्वारा किए गए कार्य ही सही सर्वोपरि आंसर, ठीक है। तो एंगर और अग्रेशन में ये बेस क्रिएट करता है, कहने का मतलब अभी तक का जो विवरण था वो विवरण में तीन को पेश किया गया, गार्डियंस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा टीचर हम सभी, हम सभी को इस पर अपने विवेक से दरअसल एक्चुअली ये मैटर ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए इसमें कोई आपको कॉपरेट नहीं करेगा और आप किसी का सुनोगे भी नहीं, कोई आपको मान लीजिए किसी बात पे आप गुस्सा हो जाते हो, कोई सामने वाला आपको कहता है अरे गुस्सा नहीं करो, अरे शांत हो जाओ, क्या ये सही बात है, आप नहीं मानोगे, आप अपने दिल का ही सुनोगे, आप अपने दिल का सुनोगे, तो ये जो ये दिल है जो इतनी पर्सनलाइज हो के फैमिली सोशल स्टेट नेशनल और यूनिवर्सल स्मूथ बन गया है, उसको ओवरकम करने का जरिया आपको खुद ही बनना होगा, और जब तक आप खुद नहीं बनेंगे आपका ही मौलिक विकास नहीं हो पाया, बच्चे का खास मौलिक विकास होगा, यदि आपका ही विकास नहीं हो पाया है तो बच्चे का विकास तो संभव ही नहीं है, इसलिए तीन आस्पेक्ट्स जो बताए गए तो तीनों आस्पेक्ट्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं और तीनों पर गौर करने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं, एक चीज थोड़ा सा आप समझते हैं कि आपको बोले लीक से हट के पूछ रहे हैं, लीक से हट के जो टॉपिक दिया गया इससे थोड़ा सा सही, बट इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, इसलिए हमको इलाज होना होगा। पिछले सेशन में सर ने बताया था और वैसे भी ये मीटिंग कंटिन्यू करने का सबसे जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस है लाइफ स्किल डेवलपमेंट, मेन पर्पस है, इसमें सारे ये एसोसिएट्स हैं, ये चेंज है, बोलूं या बिल्कुल बोलूं, बोलूं कम या बोलूं
अभी जीत कर दे इंग्लिश
हिंदी में कहते हैं निपुण है, असली उसी को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए पहले तो इंग्लिश के हिसाब के समझ ऐसा नहीं देंगे उसके हिसाब से। स्किल जो है पार्ट्स ऑफ स्किल्स में नाउन है, स्किल्ड एडजेक्टिव, स्किल नाउन है, स्किल एडजेक्टिव ठीक। और जब स्किल नाउन है और नाउन का स्किल का मतलब निपुणता, दक्षता, प्रवीणता, कौशल ये सारे प्रश्न है। निपुणता, दक्षता, प्रवीणता, कौशल ठीक, इसका हिंदी भी तो ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ ना, लेकिन आपको डेमोंस्ट्रेट ट्रीट करना क्या आपके तरफ से कोई एकदम जो कुछ की फटाफट इनको बट वेरी वेरी की फटाफट क्लियर कर दो। एनीवे हां सर यू हैव टू रिपीट टू डू समथिंग वेल इन वेल मैनर और इन अ गुड वे। एनीथिंग एल्स अदर एनीथिंग एल्स सर मानने की बात नहीं ठीक है बोलो क्लास में ब्लैकबोर्ड में अच्छा पढ़ाते हो या भी बोलना सीखो। यस सर किसी काम को अच्छे ढंग से करने की माइंड के बाद उसके बाद अंकित हो जाएगा किसी भी एक्टिविटी को या कोई लाइफ से किसी लाइफ से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को अगर हम बात करें तो उसको कितने अच्छे से डील करना, कितने अच्छे से डील करना या कितने बेस्ट वे से एक्सप्लेन करना उसी को हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लेन। दूसरा बोला जो इट डेवलप्स
नॉलेज दे वो लेगा। ठीक, हार्ट हमने बोला, हार्ट क्या बोला, ब्रेन का बोला, हमने थर्ड भी कुछ बोला है और फोर्थ लास्ट लाइन भी बोला है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट हेल्प्स विद मैच्योरिटी। हार्ट लाइन, हां हार्ट लाइन बोला कि इट डेवलप्स क्रिएटिविटी इन डिटेल। देख चारों में से आप एक ऑप्शन लो, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इस चारों प्रोसेस का। अब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब क्या है, ये जीवन पर्यंत रहेगा। अब कारण क्या है, इसमें 5 साल के बच्चे को आप कुछ सिखाते हो, इंपॉर्टेंस जो है ना एज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते हैं, स्किल का इंपॉर्टेंस एज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल जाता है। 5 साल के बच्चे को आपने जो ट्रेनिंग दी वो बातें बता, क्या 15 साल में उसको वही सही काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 30 साल में वही सही काम करेगा, बिल्कुल। इसलिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इज द बेस्ट। ओके, अब चलते हैं जो टॉपिक पर चर्चा हम कर रहे थे उस टॉपिक। अब सीबीएसई बोर्ड का ये मानना है जो अगर एंकर कंट्रोल ये ट्रायंगुलर रूप में हो, ट्रायंगुलर की बात नहीं है, ये गार्डियन हो, उसके बाद न्यूज क्लैरिफिकेशन हो, अगर ये तीनों ने अपने एंकर को कंट्रोल कर लिया, एंकर मिट नहीं सकता क्योंकि इनको भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो दो चीज नेचुरल और मिटा नहीं सकता। कितना साइज डेवलप हो गया, आपको रुक गया कोई रहा, फ्लड रुक गया कोई रहा, उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन उसके इंटेंसिटी को कम कर। सबसे अहम चीज जिस जगह पर जो निगेटिव चीज बार बार होती है उस समूह में दो व्यक्ति ही क्यों ना करे। जैसे आपके मकान के बगल के टीचर शाला हो, आप कितने भी प्रभावी आदमी हो, टीचर से अपने आप को अछूते नहीं रखते, वो टीचर आपके एरिया में आएगा ही जाएगा चाहे आप कितने पाओ। उसी टाइप से यदि आप कहीं कोई इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट में मोर देन 97% भी सीबीएसई का जो परसेप्शन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एडवाइजरी है उसको फॉलो कर रहा है और 2% भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो 2% का इंपैक्ट 97% पर होगा और समन्वित विकास नहीं होगा। ये लाने का मतलब है वेजिटेरियन कौन है, कितने बचे जाएगा और अगले दिन आने के बारे में उसको कहीं भी
आप नेचुरली आप यहाँ समझने की कोशिश करें तो कल उस एक भी जब आप थे तो क्या आपने ऐसी हिमाचत नहीं करी थी? आपने तो ऐसी हिमाचत करी थी तो उस वक्त सामने वाले ने ऐसा इशू दिया होगा तो क्या आप उसी रिएक्शन को आप उस पर मतलब सरफास करना चाहते हैं? तो कहने का मतलब ये है जो स्कूल को हर हालत में आप एंगर फ्री जोन बनाने की कोशिश करें और एंगर फ्री जोन बनाने के बाद ही जो सीएससी का जो एडवाइजरी है जो एक्सपेक्टेशंस है जो उम्मीद लगी गई है वो पूरा होता है। अब सबसे बड़ी बात है जो हम लिटरली समझने की कोशिश करते हैं जैसे कोई चीज को आप शाब्दिक तौर पर जो अर्थ समझते और लिटरली मीनिंग जब होता है जब उसके तह में घुसते हैं तो जैसे आपको लगता है ये तो उनका मीनिंग ही उल्टा लग रहा है। इसलिए अब लिटरली समझने की कोशिश करते हैं जैसे एंगर का मतलब हम समझे अगर कहीं क्रोधावेश एंगर का मतलब क्रोधावेश भी होता है क्रोधित हो जाना मतलब जाना लेकिन एंगर का ए एन जी एंगर भी लिखा हो रहा है ना एंगर भी जो बनाना है एंगर भी यहाँ ना देखे स्टार्ट जो हुआ था ब्रेन में है ना एंगर भी जो बनाना है तो एंगर भी जो लिटरली होता क्या है ये समझने की करें कोशिश करें। ए का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इसको ऐसे समझ को देते हैं हम पांच फ्रेंड साथ में हम पांच फ्रेंड साथ में संयोग से उसके चार जो है ना बिल्कुल वैसा ही है ऐसा नहीं है और एक बड़ा होगा किसी बात को लेकर वो चारों झगड़ पड़े किसी बात के लिए गिरदी से वो एक जो है ना वो सब कुछ समझने की कोशिश करता है तो ये जो चारों के प्रति अपना रिफ्लेक्शन दे रहा है इस सिनेरियो को म्यूचुअल सिनेरियो में बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब तो पता होगा ना जैसे कि आपको टॉपिक दिया है किसी के प्रति थैंक्स आभार व्यक्त करना ठीक है तुमने ऐसा किया बात कहां से कहां चली जाती अगर तुम नहीं होते तो मामला और खराब जाता वगैरह वगैरह ये एंगर का ई का लिटरल मीनिंग ठीक है। अब एन का लिटरल मीनिंग है नो टू बैड मूड हालात कुछ नहीं आपका मिजाज आपके वश में आपका मिजाज मन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाए तो अनफ्रेंडली हो जाए हालात कुछ नहीं इसलिए कि जीवन में अगर प्रतिकूलता से अनुकूलता का भाव निकालना सीख गए अगर तो मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं ये भाषण देना बड़ा सहज है लेकिन इसको ऊपर इम्प्लीमेंट करना उनको भी कठिन है। चलिए आपके मन में जो भी भाव है सोचिए आपके लिए बच्चा यही है यदि निगेटिविटी से आपने पॉजिटिविटी छाटना शुरू कर दिया अगर तो कहने का मतलब ऑलरेडी पॉजिटिविटी आपका वन एस्पेक्ट है और निगेटिविटी से आपने पॉजिटिविटी निकाल के उसमें प्लस कर दिया है तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऐसी नहीं है। तो एन का मतलब नो गुड बैड जी का मतलब है गो अहेड ऑफ सॉल्यूशंस सॉल्यूशन निकाल उलझे नहीं कोई प्रॉब्लम्स आए तो उलझे नहीं सॉल्यूशन निकाले आगे बढ़े समाधान की सीढ़ी पे बेहतरी कदम कैसे हो ये जी बताता है। ई का बताता है एम्पैथी ऑलवेज एम्पैथी का डिक्शनरी में मीनिंग है समानुभूति हिंदी मीनिंग समानुभूति हाँ समानुभूति क्या होता है जैसे सपोज मान लिया जाए किसी को चोट लगे चोट लग गई हमने देखा अच्छा हुआ बहुत बोल रहा बहुत ही हो रहा देख लेकिन दूसरा बंदा ये है कोई कह रहा बहुत
या जल्दी प्रॉपर जो उनका शाम गर्म कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, बच्चा हो जाएगा भाई बच्चा। ये जो उसकी परेशानी को खुद पर लेकर कीजिए, इस पेज को कहने का मतलब एम्पैथी में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंपैथी में मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सिंपैथी और एम्पैथी का आर का मतलब है रेजिलिएंस, लचीलापन ले व्यवहार में विनम्रता है, बिना व्यवहार में उदारता का समाप्ति समझ लचीलापन। किसी के प्रति यदि कोई आपसे रूखापन से व्यवहार कर देता है तो वहां पर बिल्कुल शीलता का भाव दिखता है, और शीलता का भाव दिखाने पर प्रबल संभावना है तो सामने का आदमी कैसा भी होगा आपकी बात के अनुरूप होने को दिवस हो जाएगा। अब फ्री एंगर फ्री एंगर को लिखा होगा फ्री एफ का मतलब है फ्री को निगेटिव थॉट्स। ये निगेटिव थॉट्स नहीं है वो जीवन में दीमक से भी खड़ा, ये जीवन में आपको बड़ा बनते हैं और निगेटिव थॉट्स को हटाना आप ही के ऊपर, ये गौरव नहीं कर सकता आप ही के ऊपर। आप हमेशा जैसे ये आप उसके पॉजिटिव ध्यान के तो कहां पर पॉजिटिव के संकेत दिखाई दे रहा है उससे मुक्ति पाने का वो उपाय ढूंढो। दूसरा शब्द आता है आप रेनफोर्सिंग पॉजिटिविटी, लगभग फर्क ये सिमिलर नहीं है, इसको हटा दिया तो पॉजिटिविटी को मजबूती प्रदान करना मतलब पॉजिटिव आस्पेक्ट्स को और अपना ध्यान केंद्रित करने की जा पदार्थ कोशिश करें। ई का मतलब है इरेडिकेटिव क्रिटिसिज्म, आप अच्छा करते हो तो और बुरा करते हो तो आलोचना एक सामाजिक पहलू सोशल आस्पेक्ट्स, लेकिन दोनों हालात में आलोचना को आप जीवन में आगे बढ़ने का एक माध्यम के रूप में ले, आलोचना में बढ़ के उलझे नहीं। इससे क्या होगा आप जो जीवन में टारगेट किए हुए हो वो टारगेट फेलियर हो जाएगा। और उसके बाद है ई मतलब एम्पावरिंग बनते खुद को बेहतर बनावे, खुद को ऐसे हालात में बनावे कि हर हालत में आप उसके मुकाबला। अब लास्ट में ये एंगर का मैनेजमेंट कैसे हो, तरीका कौन एंगर का मैनेजमेंट कैसे हो, बहुत लंबा जवाब दिया गया है लेकिन मैं उसका लाइन समझा देता हूं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जो एंगर मैनेजमेंट में सबसे मेजर रोल पर्सनालिटी होता है, सबसे मेजर रोल, इसलिए कि आपको बेहतर पता होता है तो आपको एंगर क्यों आता है, आप ही को पता है, सामने वाले को नहीं पता है, सामने वाला सिर्फ गेस कर रहा है तो आपको एंगर आ रहा है क्योंकि आपका एटीट्यूड बदलने लगा है। आप हमेशा हंसते रहते हो और एक बार खेलने में कैसा भाव आ गया, मुझे तुम कह रहे क्या हुआ क्या ऐसे ऐसे तुम मुंह लटकाए बैठे हो तो मैडम को फ्लैश हो गया। ये आपको तलाशना होगा क्योंकि एंगर की असली वजन क्या है ये आपको पता है, और यदि एंगर आपको बार बार आता है तो इसको आप इस नजरिए से समझने की कोशिश करें। यहां से नीचे उतरे सर की आपने गाड़ी ली, सर की आपने गाड़ी ली ठीक, और रोड पर देखी संजोग से आप गाड़ी को उस साइड ले गए जमा सामने ट्रैफिक पुलिस आ गई, ट्रैफिक पुलिस आ गई आपको हम दिया ठीक, आप भूल गए क्या बात है ठीक है भाई जाएगा तो रूल्स है, आपको उस टाइम मेंटल नहीं आया कि भाई आपको तो मेंटल बात बात भी आता है उस टाइम मेंटल तो नहीं आया होना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया जो एंगर कहीं ना कहीं चॉइस बेस्ड होता है, आपको पता होता है एंगर केवल अपनों पे आता है, नहीं ये अपने ने अगर अपनों पे आ
भी कर रहे हो, फिर तू इस पर गुस्सा नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि चॉइस में तू क्या ना सारा कुछ क्या हो गया, समरी क्या हो गया, समरी क्या हो गया, एंगर को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा टूल योसेल को आपको समझ में क्या होता है, एंगर क्यों आ रहा है और इसको ओवरकम कैसे। जब अपने होते हैं गलती भी खुद, फिर गुस्सा भी खुद ही करते हैं। वही तो है सर, आप सिर्फ ये आप खुद के अंदर भागो, वो एंगर पनपने नहीं पाए और एंगर पनपना उसके बाद की स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसको कम करो, उसको हैबिट में डेवलप नहीं होने दो। यदि हैबिट में डेवलप होने लगा तो आपका इंसिडेंस खतरे में पड़ जाएगा। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द फर्स्ट सेशन बट some of the aspects need to be had that have been set by the CBSE group. It is still required same topic and in the field and in the field school. Simple. उसमें फर्स्ट लाइन दिया है जो एंगर की
क्या हम सभी जानते हैं एंगल की जेनेसिस, लेकिन एंगल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे कि एंगल फलदायी नहीं होता तब यदि एंगल से कभी किसी का भला नहीं होता। इसे कहने का तात्पर्य यह है कि एंगल को अगर पॉजिटिवली मैकेनिज्म डिवाइस बनाकर इस्तेमाल किया जाए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कहा जाता है जो पॉपुलेशन क्रश होता है, होते ना हम पॉपुलेशन क्रश होता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन क्रश होता तो क्या जीडीपी बहुत सारे देश का पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन चाइना का जीडीपी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? आप मैकेनिज्म को यूटिलाइज कर सकते हो। तो कहने का मतलब एंगल को यदि प्रॉपर तरीके से एक डिवाइस बनाकर उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए वो और लेस बिहेवियर शुरू हो सकता है। वी शुड नॉट एक्सप्रेस आवर एंगल किसी को भरसक कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट एज मच एज दे कैन इंप्रूव अपॉन इट। इसलिए कि इसको एक्सप्रेस करने से बहुत लोगों के मन में ऐसी बात आती है जो अंदर में कुछ ऐसी बात हो और कभी अगर शेयर कर देंगे शेयर करने से जुदा करूंगा। शेयर करना और एक्सप्रेस करना मीनिंग बड़ा प्रदायी पार्टी है, मीनिंग बड़ा सुंदर, लेकिन अगर एक्सप्रेस करते हैं आप तो हो सकता है कि सामने वाले पर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन यदि आपका दिमाग में बात यह है कि नहीं एंगल को कहीं कुछ ऐसा कर देना है जिससे हमको बिल्कुल निजात मिल जाए तो कुछ चीजें ऐसी होती है खासकर कि जो चीजें नेचुरल होती है वो चीजें मिटती नहीं है, अपनी छाप छोड़े रखती है और खास करके जो चीजें पर्सनल लाइफ होती है उस पर काम और नहीं करते वो काम नहीं करते। तीसरा एंगल इज बैड टू योर गुड भी जो बात चलेगी बता है अगर पॉजिटिवली आपने उसको ट्रीट किया तो वो आपको फलदायी होगा। लास्ट टाइम फीमेल जेंडर्स के लिए बड़ी मैंने खुशनुमा लाइन कहा जाएगा मेल्स हैव मोर एंगल, मेल्स हैव मोर एंगल। एक सही मुद्दा शब्द आता है कुछ दिन पहले पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा इस बात को काफी उभारा गया था। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, सहन करने की शक्ति। मैंने कुछ देर पहले भी कहा था जो महिलाओं में इन चीजों के मामले में मतलब गुणात्मक अभिवृद्धि की हिंदी पढ़ाता है, गुणात्मक अभिवृद्धि वो क्वालिटेटिव उसमें खास चीजें होती हैं। अब हम लोग चलते हैं एंगल के बारे में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है इसको ऐसे पूछो इसके हटने जाने दीजिए जाने दीजिए सर जैसे मान लिया जाए मान लिया जाए किसी ने आपकी आलोचना किसी ने आपकी आलोचना तो आलोचना करने पर 100 में से 99 आदमी आगे होगा ये जिम्मेदारी 100 में से 99 आगे होगा तो इसलिए 99 का जेस्चर पोस्चर एक जैसा होगा और हमारे टॉपिक से एंगल की मतलब हम ऐसे क्या करें कि गुस्सा नहीं आए। देखिए स्कूल से रिलेटेड सर बिल्कुल स्कूल से नहीं बात कर रहे हैं स्कूल से नहीं बात कर रहे हैं। देखिए एंगल जो शब्द है ये शब्द अगर दुनिया में किसी को भी आता है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता एंगल को मारा ठीक। तो जब भी कोई चीज डेवलप आपके माध्यम से ही हो रही है
और नेचुरलिटी दो चीजें, ये नेचुरल इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, सिर्फ इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। तो ये ब्रेन आपको खुद ही लगा तो वो कौन चीज है जो हमको एंगर के कॉर्नर पे खड़ा कर देता है, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे परीक्षा में पास करने के लिए टीचर ने क्वेश्चन गेस कर दिया 3, 4 और 5, ये 3, 4 और 5 को क्वेश्चन गेस कर दिया, तो 3, 4 और 5 पढ़ेंगे सब बच्चे, लेकिन सबके नंबर इसके पीछे नहीं आएंगे, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, और जिसको 20 में 20 आएगा वो हर फैक्टर्स पास लाया। तो आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता, आपका इधर क्यों रहा है, और ये मैटर टोटली पर्सनलाइज है, इसलिए आपको ही इस पे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, आप उसके फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश करें। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे घटते जाएगा वो वक्त भी आएगा जो आम रिएक्शन आपको अनुरूप, लेकिन यदि ये चीजें बराबर होने लगी तो वो आपके हैबिट का हाथ मिल जाएगा। और बड़ी बातें तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कोई इतना कह देगा आपका नीचे और ऊपर में वो मैचिंग नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए, अपना आप आपको नहीं, ये कॉमन बिहेवियर है, ये कॉमन बिहेवियर है। तो कोशिश करें कि जो पर्सनलाइज है उसके खुद ही वर्क करें, ना आपको इसमें कोई आपका पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, ये हो, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देगा, लेकिन जो चीज आपके अंदर से आ रही है वो आपको खुद ही पता नहीं है, पता आप ही लोगों को है। लाइट कम था, मैंने बुलाया जो ये एंगल सब जो है गया गई ये पूरी बात है, ठीक। हमने ये भी कहा जो तीन फ्रिज को ही स्पेसिफिक टारगेट किया है, तीन फ्रिज में जो गार्डियन पेरेंट्स जो भी हैं, उसके बाद जो आपके टीचर्स हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक। लेकिन इन सबों में हम टीचर्स का रोल सबसे बड़ा है, और ये हमको समझने की आवश्यकता है कि वो क्या करें जिससे माहौल फ्रेंडली बन जाए, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है, और
इसमें अगर हम सभी ये दिमाग लगाएंगे वो ठीक होगा तब ना, वो ठीक होगा तब ना, वो ठीक होगा तब ना, तब कहीं कभी ठीक होगा। दरअसल कोई तो पहले पहल करेगा, और जब कोई पहल करता है अनिवार्य की भीड़ लग ही जाती है। आप अच्छा पहल तो करो, फॉरवर्ड पता बन जाएंगे, और जब इस पर वर्क होना शुरू हो जाएगा तो स्वतः आपको ऐसा एनवायरमेंट दिखाई देगा। जब आप कभी ओवर रिएक्टिव नहीं होंगे तो बच्चों में वो रिएक्शन का भाव अगर घर से पलकता भी होगा तो कम होना शुरू। सात आठ घंटे गुस्सा है, सर लगातार बोलते रहते हैं, सर से कई सवाल किए जाते हैं, सर क्रिया निश्चित नहीं होते हैं, तो माहौल स्वतः फ्रेंडली बन जाए। किसी के बातों को रिजेक्ट नहीं करना है तो पोलाइटली रिजेक्ट किया जाए तो इससे क्या होगा, गुस्सा नहीं होगा। अच्छा चलिए, इसको यानी कंप्लीट नहीं है, हमेशा मान लीजिए सर पूर्ण बात नहीं करेंगे, इसी बात को लेंगे इसको, क्योंकि हम लोग इसको फेमस की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर मान लीजिए तो जो टीचर्स बात कर रहे हैं वो सकता है उनका सर पूर्ण बात नहीं है, तो हम उसको पोलाइटली रिजेक्ट करेंगे, ना कि हम उसको ये बोलेंगे कि आपको नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि उसका रिएक्शन नॉर्मल होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। देखिए हमने पहले ही कहा जो 100 में से एक अलग होते हैं और 99 का जेस्चर पोस्चर एक ऐसा होता है, वो एक 99 और एक इसलिए है जो हर सिचुएशन को वो बातें रखी और